तो जैसा कि अब अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, यानी अपने हेलोवीन का सीजन अब स्टार्ट हो गया है। और इसी के स्टार्ट होने के साथ यहाँ पे अब कई सारे बड़े बड़े एनिमेस की एंट्री भी हो चुकी है, जिसमें से आज हम लोग बात करेंगे डैंडेडैन के बारे में। और इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग एनिमे अपडेट्स भी है, इसलिए आप लोग को एक काम करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सबसे पहले अपडेट के ऊपर बढ़े, जो आता है अपने द इल्यूसिव समुराय के एनिमे को लेकर। जहाँ पे इस एनिमे के जितने भी फैंस हैं, मैं आप लोग बता दूं कि आपके एनिमे के सीजन 2 का यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, और इसका मतलब ये कि जितने भी इल्यूसिव समुराय एनिमे के फैंस हैं, उनको सीजन 2 भी देखने मिलेगा फ्यूचर में, इसलिए आप लोगों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब जहाँ तक बात करें नेक्स्ट एनिमे बारे में, जो आता है अपना विस्टोरिया एंड दानमाची का एनिमे, जहाँ पे इन दोनों का ही हम लोग को एक कोलैब ऑफिशियल इलस्ट्रेशन देखने मिला है। और यहाँ पे एक फन फैक्ट बताऊं तो इन दोनों ही सीरीज को यहाँ पे सेम क्रिएटर ने ही लिखा है, जिनका नाम है फुजिनो ओमोरी। लेकिन इसके बाद दूसरे एनिमे बारे में बात करें, जो आता है अपना फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट, जिसका को टू ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा 13 अक्टूबर से। और इसके अलावा हम लोग बात करें एक ऐसे स्टूडियो बारे में, जो माहिर एकेडमी एनिमे को एनिमेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने बोन स्टूडियो बारे में, जो यहाँ पे देख लगता है कि अपने पीरियड स्टूडियो के नक्शे कदम पे चल रहे, क्योंकि ये लोग भी अपनी एक न्यू कंपनी लॉन्च करने वाले, जिसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टाइटल होगा बोन्स फिल्म। और अभी हाल फिलहाल में पीरियड स्टूडियो ने भी कुछ ऐसा ही किया था, जहाँ पे उन्होंने भी पीरियड फिल्म्स नाम का एक स्टूडियो लॉन्च किया था, और यहाँ पे स्टूडियो बोन्स भी अपने वही कर रहे हैं। जो होपफुली ये लोग जो एफर्ट डाल रहे हैं, वो हम लोग को एनिमेशन के अंदर देखने मिले। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग माहिर एकेडमी को मेंशन कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे एमएचएस सीजन 7 के बारे में बात कर ले, जिसको यहाँ पे बैकलैश मिल रहा है, और सीरियसली इसका हर एक एपिसोड जो यहाँ पे बेहतर होते ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एपिसोड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एमएचए की इंग्लिश डब के बारे में, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोगों को लगता है कि लोग जो है वो सिर्फ हिंदी डब को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माहिर एकेडमी का जो इंग्लिश डब का भी एपिसोड आ रहा है, तो यहाँ पे उसके लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो वॉइस एक्टिंग की गई है, स्पेशली जो स्क्रिप्टिंग की गई है, उसको लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से। जहाँ पे इंग्लिश डब स्क्रिप्ट के अंदर अनअलाइव, रिस्क, केक और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यहाँ पे जेन सी और जेन अल्फा वाले वर्ड्स है, उनको यहाँ पे डब के अंदर यूज किया जा रहा है। Whoa, big yikes! Like that was for realsies close. Hux is a total riz cake. You can't unalive that snack. I'd enter my grave era. तो इसी को लेकर यहाँ पे एनिमे फैंस खुश नहीं है, क्योंकि एनिमे फैंस चाहते हैं कि इस तरीके की लैंग्वेज यहाँ पे एनिमे की इंग्लिश डब में यूज ना किया जाए। जो होपफुली यहाँ पे इतने बैकलैश के बाद ये लोग आगे जाके फ्यूचर में इस सब चीजों को सही करें। लेकिन इसके अलावा एमएचए की हम नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें, जो आता है इसकी मूवी को लेकर, तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि एमएचए यूएनएस्ट की जो मूवी है वो ग्लोबली तौर पर बहुत जल्द रिलीज होगी। जहाँ पे कौन कौन सी कंट्री के अंदर रिलीज होगी वो तो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक कंट्री ने अनाउंस कर दिया है कि वो इस मूवी को अपनी कंट्री में लाएंगे, और यहाँ पे वो आते हैं अपने पाकिस्तान वाले। जहाँ पाकिस्तान के सिनेमा ने अनाउंस किया है कि वो एमएचए यूएनएस्ट की मूवी को पाकिस्तानी थिएटर में लाएंगे, इसलिए पाकिस्तान से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो यहाँ पे जब ये मूवी रिलीज होगी तो आप लोग इस मूवी को जाके जरूर देखना। अब ऐसे एमएचए की अपडेट्स तो बस यही तक थे, लेकिन अब हम लोग बात करें अपने दूसरे अपडेट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा जेजे के मांगा के बारे में बात कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन की मांगा एंड हो गई, और यहाँ पे काफी सारे मांगा आर्टिस्ट ने इसके एंडिंग को लेकर कुछ कमेंट्स किया। जहाँ पे हम लोग बात करें अपने स्पेशल मांगा के बारे में, यानी अपने इचिरो ओडा जो वन पीस के क्रिएटर है, उन्होंने भी यहाँ पे अकुतामी कुन को उनके हार्डवर्क के लिए थैंक यू बोला है। साथ ही में उन्होंने कहा है कि वो अपना ध्यान रखे, और इसके अलावा उनके साथ कभी डिनर का ही प्लान बनाए। और हाँ, अपने ओडा सेंसे का यही कमेंट था कि ये अकुतामी के लिए। अब ऐसे यहाँ पे वन पीस को मेंशन कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे वन पीस के बारे में बात कर ले, जिसको लेकर यहाँ पे वन पीस फैंस के लिए स्पेशल एपिसोड आने वाला है। और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे वन पीस की 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए वन पीस फैन लेटर स्पेशल एपिसोड अनाउंस हुआ है, जो एयर होने वाला है 20 अक्टूबर 2024 में। और इसी को लेकर हम लोगों को इसका ट्रेलर और विजुअल देखने मिला ही है। साथ में बता दूं कि जो वन पीस का स्पेशल एपिसोड होने वाला है वो एक्चुअली में वन पीस के नॉवल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें स्ट्रो हैट की स्टोरी दिखाई गई है। तो यहाँ पे जितने भी वन पीस फैंस है वो इस स्पेशल एपिसोड को जरूर देखना। और अब वैसे यहाँ पे कई सारे एनिमेस तो आते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और पीक एनिमे की एंट्री हो चुकी है, जो आता है अपना री जीरो का सीजन 3। जहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, इसका जो फर्स्ट एपिसोड था वही 1 घंटे 30 मिनट का था, और इसका फर्स्ट एपिसोड देख कर ही लोगों को काफी ज्यादा मजा आ गया, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर ऑलरेडी सुबारू अपना ड्रामेटाइज हो चुका है, और री जीरो फैंस के लिए कोई नई चीज तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को इसका फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा। मतलब यहाँ पे इसकी रेटिंग्स के बारे में बात करें तो माय एनिमे लिस्ट के ऊपर इसको 8.96 की रेटिंग मिली है, और आप लोग इसके फर्स्ट एपिसोड को कितनी रेटिंग दोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और अब इसके बाद हम लोग बात करें इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो आता है अपने डैंडेडैन को लेकर। और जैसे कि आप लोग पता चली गया होगा कि कल इसका एपिसोड 1 हम लोगों को म्यूस इंडिया और म्यूस एशिया के चैनल पर देखने मिला, जहाँ पे भाई साहब इसके एपिसोड 1 के बारे में क्या बोलो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सिंपल वर्ड्स में इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो इसका एपिसोड यहाँ पे एब्सोल्यूट पीक था। क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें पूरी इंटरनेट पर चल रही है। जहाँ पे डैंडेडैन का जैसे फर्स्ट एपिसोड आया वैसे ही ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी करने लगा था,
और जहां तक बात करें इसके फर्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसको मैंने खुद भी देख लिया, और सच कहूं तो जैसे मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी वैसा ही मुझे रिजल्ट देखने मिला। क्योंकि इस एपिसोड के अंदर जो चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो सारी चीजें मुझे देखने मिली। स्पेशली डैंड रैंड के ओपनिंग सॉन्ग के बारे में बात करें जिसका नाम है ओटोनो की, और इसको परफॉर्म किया है क्रीपी नट्स ने, और ये वही लोग है जिन्होंने मैशले मैजिक एंड मसल के सीजन 2 के ओपनिंग सॉन्ग को बनाया था। और ये लोग वापस से अपना कमबैक कर चुके हैं डैंड रैंड की ओपनिंग के साथ, जहां पे आप लोग याद होगा कि इसकी ओपनिंग ऑलरेडी पहले भी लीक हो चुकी है। और उस टाइम जब मैंने इसके ऊपर बात किया था तब मैंने कहा था कि इसकी ओपनिंग सॉन्ग मुझे अच्छी लगी, तब लोगों ने कहा कि इसकी ओपनिंग सॉन्ग मिड है, बेकार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जब मैं ये चीजें इंटरनेट पर ढूंढने गया तो मैंने देखा कि ओपनिंग सॉन्ग को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, इसलिए चलो खुशी हुई कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसके ओपनिंग सॉन्ग को पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग को इसकी ओपनिंग सॉन्ग कैसी लगी वो भी आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी के साथ में अब हम लोग बात करें इसके एपिसोड के बारे में, जिसको यहाँ पे अच्छे तरीके से एनिमेट किया गया है। और यहाँ पे आप लोग लगता होगा कि मैं इस एनिमे को पीक बोल रहा हूँ तो इसमें ऐसा खास है क्या, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग बता देता हूँ कि मैंने इसकी मांगा को ऑलरेडी रीड कर रखा है, और इसीलिए अगर आप लोग इस एनिमे को अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब वैसे अगर आप लोग को इस एनिमे के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे मैं आप लोग बता देता हूँ कि इसके अंदर जो हमारे दो मेन कैरेक्टर है जिसमें एक मेल और फीमेल है, तो यहाँ पे जो अपना मेल वाला बंदा है इसका नाम है ओकारून। तो यहाँ पे ये जो अपने भाई साहब है वो एलियन के ऊपर बिलीव करते हैं, जहाँ पे दूसरे लड़के के बारे में बात करें जिसका नाम है मोमो, तो वो यहाँ पे भूतों पे बिलीव करती है और एलियंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। मतलब यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है, जहाँ पे दोनों ही अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ अननोन प्लेसेस पे जाते हैं। और सबसे क्रेजी चीज ये होती है कि जो अपनी फीमेल कैरेक्टर होती है उसका सामना एलियंस हो जाता है जिसके ऊपर वो बिलीव नहीं करती थी, और यहाँ पे जो अपना ओकारून है उसकी मुलाकात हो जाती है घोष से जिस पर वो बिलीव नहीं करता था। और उसी के बाद इस एपिसोड के अंदर धमाकेदार चीजें हम लोगों को देखने मिलते गई, जहाँ पे लिटरली एपिसोड फनी भी था और साथ में जो क्रीपी वाइफ चाहिए थी वो भी हम लोग को इसके अंदर देखने मिली। और एज अ मांगा रीडर यहाँ पे एनिमे को काफी अच्छे तरीके से एनिमेट किया गया और कई सारे मांगा पैनल्स को यहाँ पे परफेक्टली एनिमेट भी किया गया। जैसे यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पे साइंस और स्टूडियो ने बहुत खतरनाक तरीके से कुक किया है, और इसीलिए सच कह रहा हूँ इस एपिसोड से यहाँ पे मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ। यहाँ पे इसके एपिसोड 1 को देखने बाद मैं बहुत ज्यादा ही खुश हुआ हूँ, और इसीलिए इसके फर्स्ट एपिसोड के अंदर मुझे वैसी कोई कमी देखने मिली नहीं, इसलिए इस एपिसोड को मैं इजिली 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे दूंगा। अब वैसे जितने भी लोगों ने इसके फर्स्ट एपिसोड को देखा होगा उन्हें पता चल गया होगा कि एनिमे कितना ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे सीन्स थे जिसको देखकर ही लोग शॉक हो गए थे। और स्पेशली यहाँ पे जितनी वन पीस फैंस है आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, यहाँ पे जो अपनी टर्बो ग्रैनी थी उसको लूफी की वॉइस एक्ट्रेस ने डब किया है, और ये एक्चुअली में सुनने में काफी ज्यादा फनी भी लगता है। लेकिन जहां तक बात करें अपने ओकारून के बारे में, जिसके बॉल्स को यहाँ पे टर्बो ग्रैनी ने ले लिया है, और हाँ बॉल्स का मतलब वही बॉल्स जो आप लोग समझ रहे हो, और यहाँ पे जितने भी लोग अभी ये चीजें देख रहे हो इस एपिसोड के अंदर, ये सारी चीजें और भी ज्यादा क्रेजी होने वाली है अपकमिंग एपिसोड में, क्योंकि यहाँ पे ये एनिमे कोई नॉर्मल एनिमे नहीं होने वाला है, यहाँ पे इसकी स्टोरी आपके सोच से भी ज्यादा क्रेजी जाने वाली है। अब हालांकि इसके फर्स्ट एपिसोड को अगर आप लोगों ने भी देख लिया है तो आप लोग अपनी रेटिंग कमेंट में जाके दे सकते हो। और अब जहां तक बात करें डब एनिमे के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग डैंड रैंड के हिंदी डब का भी इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि डैंड रैंड का इंग्लिश डब ऑलरेडी क्रंची रोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है। और जहां तक बात करें इसके हिंदी डब के बारे में तो यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे डैंड रैंड और ब्लू लॉक का सीजन 2 ये जो दोनों एनिमेज है उनका हिंदी तमिल और तेलुगु डब क्रंची रोल ने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया है। और अब ये एनिमे कब तक आएंगे डब में वो तो क्रंची रोल के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन जैसे ही एनिमेज डब में आ जाएंगे वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब वैसे यहाँ पे ब्लू लॉक और डैंड रैंड के बारे में इतना बात करी रहे तो यहाँ पे मैं आप लोग बता देता हूँ कि डैंड रैंड के अंदर टोटल 12 एपिसोड होने वाले। और इसके अलावा जहां तक बात करिए ब्लू लॉक के बारे में, जिसके सीजन 2 को लेकर हमें एक न्यू की विजुअल भी देखने मिला है, और इसी के साथ जो ब्लू लॉक का सीजन 2 है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और अब इसी के साथ यहाँ पे जितने भी एनिमे अपडेट्स थे उन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर टर्बो ग्रैनी आकर आपके बॉल ले जाएगी, इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपके बॉल सलामत रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।